तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो ये मेरा व्लॉग अगले साल रिलीज करूँगा मैं, तो जो भी देख रहा है सबको हैप्पी न्यू ईयर और अगला साल आपको सब बढ़िया जाए। ग्रुप के साथ ज्वाइन हो गए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ग्रुप के साथ राइड करने के, मतलब अलग ही फील आता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 30th of December। अभी हम आज जा रहे हैं गोवा से पुणे, और हमारा जो स्टे था 2 दिन का, मतलब परसों रात को आए थे, कल दिन पूरा दिन भर थोड़ा घूमे, रिलैक्स किया, और आज अभी हम निकल रहे हैं। अल्टीमेटली अपना ये राइड का पूरा मतलब गोल यही था कि हम कितना डिस्टेंस कर सकते हैं। तो 500 किलोमीटर हमने कल परसों टेस्ट किया, और आज भी हम 500 किलोमीटर जाने वाले। तो एक बाइक राइड भी करनी थी और गोवा भी थोड़ा बहुत फ्रेंड के साथ घूमना था, तो वो भी हो गया। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 या 7:45 बज रहे हैं। अभी हमको निकलना है फटाफट, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं, और 30th of December होने के कारण कल न्यू ईयर्स ईव है, और काफ़ी ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं रोड पर। तो फटाफट निकलना है, पैकिंग करनी है थोड़ी बहुत, और सामान भी लोड करना है, तो और एक आधा पौना घंटा चला जाएगा। और अभी ये कैमरा बैग और ये सब पैक करना है, तो चलो यार चलते हैं। काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी, सुबह 6 बजे निकलने का प्लान था, बट हमेशा की तरह हम लेट हो गए, क्योंकि लेट सोए, लेट उठे और लेट होते ही चले गए। तो चलो चलते हैं और अपनी राइड शुरू करते हैं। अभी हम फाइनल निकल चुके हैं होटल से, और हमारा घर है 454 किलोमीटर्स दूरी पे, और ये बता रहा अभी गूगल मैप कि 8 घंटा 45 मिनट्स, मतलब 44 मिनट्स लगने वाले हैं। और अभी देखा यार मैप में तो ट्रैफिक कुछ दिख नहीं रहा है, जो रूट से आए थे वही रूट से अभी हम वापस जा रहे हैं। अरे तो अपना कैमरा बैग, टेल बैग और Insta360 भी लोड हो चुका है, और कुछ भूले तो नहीं, रूम तो पूरा चेक कर लिया था, कुछ भूले तो नहीं हम। अभी सीधा 150 किलोमीटर्स का जो हाईवे, नेशनल हाईवे 66 पे हम जाएंगे, और खारे पाटान करके गांव है, उधर से फिर राइट जाएंगे, तो वो थोड़ा ख़राब रास्ता लगने वाला है। सिंगल रोड शुरू हो जाएंगे अनुस्कुरा घाट तक, फिर कराड़ से लेफ्ट ले लेंगे, और नेशनल हाईवे नंबर 46 से अपना शायद मुंबई बेंगलोर हाईवे, तो उसको टच होना है हमको, और फिर तो आगे तो नॉर्मल अपना आसान रास्ता है। बट ये जो बीच का जो खारेपाटन से कराड़ तक जो रोड है वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बट वही बेस्ट रूट लग रहा है हमको। कोल्हापुर से जाने का ट्राई कर रहे थे, बट नहीं यार उधर से नहीं जाना है, कुछ ज़्यादा ट्रैफिक दिख रही उधर। तो गाइस अभी हम नेशनल हाईवे 66 पे लग चुके हैं, आ गए इसके ऊपर, और अभी स्ट्रेट 150 किलोमीटर जाना है। अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है, हर चीज़ें दो खबार खाई है हमने, इतना कुछ अच्छा नहीं था, बट भूख ज़्यादा लगी थी और क्वांटिटी कम थी, तो मिसल दो, पोहा दो, और चाय सिर्फ एक मनोज ने लिया, मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ। और हमने ये ब्रेक कुछ 30 किलोमीटर बाद लिया है, और अभी 413 किलोमीटर और जाना है यार। अभी नॉन स्टॉप जाएंगे, सीधा खाना खाने रुकेंगे अभी, क्योंकि बीच रास्ते में अभी कोई अच्छा होटल है ही नहीं,
सब है तो कराड़ के बाद तो घाट सेक्शन में तो कोई रोड भी नहीं है, तो इसलिए हमने थोड़ा टाइम इधर थोड़ा ज़्यादा दिया क्योंकि पेट भर के हो गया ना ब्रेकफास्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर होटल लेट भी मिलता है ना अपने को तो टेंशन की बात ही नहीं है। चलो एक सेकंड, ये ऑन रोड की थी साढ़े सात बैठ नहीं है मी पुढे जाऊन बघते मी माझ्या ब्लॉक मध्ये होता। अरे तू येतोय 360 येतोय दिसतंय हो क्लियर। नाव काय म्हटलं युट्यूब चॅनल? टर्बो चार्ज रोहित शर्मा होता नाव आठवतो। हो चालेल ब्लॉक मध्ये घ्या आम्हाला। बीच में अपने जो छोटे छोटे फ्रेंड मिल गए थे, अभी उनका नाम पूछना भूल गया मैं, बट वो काफ़ी क्यूरियस थे कि यूट्यूब हम करते हैं क्या, कौन सा चैनल है, इंस्टा 360 क्या है, गोप्रो कौन सा है। तो पहली बार इंस्टा 360 यार ऐसे बंद हो गया है आसानी से। अभी चलो चलते हैं, अभी कराड़ है यहाँ से इतना यार 176 है शायद और 3 hours 42 minutes लगने वाले कराड़ के लिए। कराड़ से फिर अपना यार 4 घंटे का और रास्ता है, काफ़ी हमने यहीं पे टाइम पास कर दिया। तो गाइस 10 मिनट पहले हमने नेशनल हाईवे 66 से राइट लिया है अभी, और खारे पाटन से ये थोड़ा कच्चा रास्ता जाता है, वो सीधा कराड़ में निकलेगा ये, और फिर कराड़ से अपना नेशनल हाईवे 46 शुरू हो जाएगा और एकदम अच्छा रोड है वो। यहाँ पे काफ़ी चलाने के लिए मज़ा आ रहा है, दोनों तरफ हरियाली हरियाली और ट्विस्ट एंड टर्न्स, बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। गाइस यहाँ पे भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, उनके रिएक्शन देखने लायक थे यार। कुछ 10-15 लड़के और लड़कियाँ भी थे, ऐसे हाथ देते हुए जा रहा था मैं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, काफ़ी मज़ा आया। तो ऐसे ही मज़ा मस्ती में अपनी राइड ख़त्म हो जानी चाहिए यार, अगर ऐसे रिस्पांस आता है ना तो कोई थकावट मिट जाती है ऐसे रिएक्शन देख के छोटे छोटे बच्चों के। 120 जा रहे थे, 120-125, अरे लग ही नहीं रहा था कि हम उतनी स्पीड पे हैं। और बाप मेल तो आपन आरतीला कंट्रोलर नहीं झाली ती ना, आई केला असता तर काय केला असता आपण, बरं स्टेअरिंग वळवली तिने रे। भाई साहब यहाँ से तो क्या नज़ारा दिख रहा है, नज़ारे ही नज़ारे हैं। और ये थोड़ा सा स्टीफ टर्न है, पूरा 180 डिग्री है, 360 डिग्री टर्न है यार, ये क्या पता ओवरटेक नहीं कर सकते यहाँ पे, अचानक से कार आ जाती है बीच में। भाई ऐसा मत कर भाई,
दरी दिसली ती का खाली बाबा नजारा आईच्या गावात रे हे बघ कसला सीन आहे बघ सीन में मिल जाएंगे अरे तो माकड़ा है नको इत माकड़ा है हे बघ हे बघ तो बढ़िया रोड आ गया है अभी और हम थोड़ा सा तेज जा रहे हैं, मतलब अच्छे से रास्ता कट हो रहा है। मैं फास्ट नहीं चला रहा हूँ बट रोड कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ फटाफट, खाली मिलता है तो थोड़ा सा खींच रहा हूँ बाइक को। तो गाइस अभी KTM वाला ग्रुप और रॉयल एनफील्ड का ग्रुप भी जा रहा है अपने साथ, वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। सिंगल होते हैं तो यार गाड़ी भगा सकते हो, डबल सीट यार गाड़ी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई जैसे अभी हम अकेले निकले थे, अभी ग्रुप के साथ ज्वाइन हो गए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ग्रुप के साथ राइड करने के, मतलब अलग ही फील आता है, गैंग चल रही है ऐसे लगता है। अरे हिमालयन 450 मैंने अभी जस्ट देखी है, ये मतलब रियल में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ये बाइक। इसका डिस्प्ले कुछ अच्छा है यार, ये सुना है अच्छा वाला है, बड़ा ये डिस्प्ले। ये पंगा होता है स्लोली स्लोली, इतना बड़े ग्रुप को साथ में लेके जाने का एक बड़ा टास्क होता है। जैसे देखो मैं स्लोली ही जा रहा हूँ बट उनसे आगे चला गया, और यार ये ग्रुप के यही पंगे होते हैं, इसलिए मैं अकेला राइड करना प्रेफर करता हूँ। बट कभी कभार एज अ फन एक्टिविटी आप ग्रुप के साथ जा सकते हो, मज़ा आता है लोगों के साथ जाने के लिए। तो अभी हमने फ्यूल अप करा लिया है और बाइक ने एवरेज दिया है 21.9 समथिंग, मतलब 22 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आ रहा है। और हवा काफ़ी कम थी, हमने मतलब हवा चेक कराने ही भूल गए थे जैसे हम निकले थे ना गोवा से, और अगर हवा अच्छी रहती तो और भी मज़ा आता था और एवरेज अच्छा आता था। और एक जगह पे हमने फ्यूल अप करा लिया, एक जगह पे हवा भरा ली, और जहाँ पे हवा भराया वहाँ पे उस आदमी ने पैसे लिए नहीं, तो हमने पूछा यार कितना पैसा हुआ, और वो बोला यार कुछ नहीं फ्री है। और हमको तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये फ्री क्यों बोल रहा है, फिर बाद में समझ में आया कि वो उस पेट्रोल पंप का मालक ही था जो हमारी गाड़ी में हवा भर रहा था तो ऐसे डाउन टू अर्थ होने चाहिए सब लोग। कराड़ के नज़दीक, मतलब कराड़ 50 किलोमीटर्स दूर है, और यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेंगे, पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे यहाँ से।
काफ़ी देर से हम बस राइड ही कर रहे हैं, तो ब्रेक थोड़ा कम हुआ था तो इसलिए अभी भी रुके हैं। और यहाँ पे अच्छा एक विंड मिल का शॉट भी आ जाएगा अपना, बट ये घूम नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ। हवा तो बहुत चल रही है और अभी एक बाइकर का ग्रुप गया तो सब लोगों ने थम्सअप कर दिया हमको और हमारी राइड भी अच्छी हो रही है। अभी बस ये तकिए ने बचा लिया पिछवाड़ा और इसका तकिया ले लिया तो ये पूरा ब्लैंकेट मुझे मिल गया, बट ब्लैंकेट से इतना कुछ नहीं होने रहा मुझे यार, इस बाइक पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा कुशन के लिए और सस्पेंशन को भी सॉफ्ट करना पड़ेगा। तो एक दो चीज़ें हैं ये राइड के दौरान ही समझ में आती है, तो फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। मस्त लग रहा है यहाँ पे, एकदम शांति है और व्हील मिल तो यार इतनी बड़ी दिख रही है यहाँ पे, पता नहीं कैमरा में तो छोटी लग रही होगी बट बहुत बड़ी है ये। तो बस थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और निकल चलेंगे हम आगे, और यहाँ से यार 5-6 अभी 3-4 घंटे का और सफ़र बाकी है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं और निकलते हैं। अभी हम सातारा में पहुंच चुके हैं, अभी बजे शाम के 4:30 बज रहे, मतलब आधे घंटे का ब्रेक हमने ले लिया है। अभी यहाँ पे 4 बजे रुके थे, बस चिप्स वगैरह थोड़ा खाया, ज़्यादा भूखी नहीं थी। और अभी 116 किलोमीटर जाना है और 2 hours and 14 minutes लगने वाले हैं, तो जाते हैं और फटाफट अपनी राइड कम्प्लीट करते हैं, घर जाके फिर या थोड़ा आराम करूँगा, पहले तो नहाऊँगा। और अभी हम उस पीछे कुछ ले रहा है उसके घर वालों के लिए स्वीट्स, यहाँ के कंदी पेड़े फेमस है तो शायद कंदी पेड़े ले रहा है। मैंने भी थोड़ा स्वीट ले लिया है रोमिता के लिए, बट पता नहीं अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो वो खाएगी नहीं, और देखते हैं अभी। तो राइड भी तो अभी मज़ा आ रहा है, बस थोड़ा सा लेग स्ट्रेच करने रुके थे बट आधा घंटा चला गया, कब पता चला नहीं, पता ही नहीं चला। और अभी और देखते हैं, और 2 घंटे जाना है बस, अभी पुणे की ट्रैफिक नहीं लगनी चाहिए। पता नहीं यार ये मनोज क्या टाइम पास कर रहे हैं। मनोज तो गाइस अभी हम सातारा रोड पे लग चुके हैं और काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है यहाँ पे, बस ऐसे ही स्पीड मेंटेन होनी चाहिए तो 2-1 घंटे में तो हम पहुंच जाएंगे। और पुणे सिटी में कोई ट्रैफिक नहीं लगनी चाहिए यार, क्योंकि अभी थोड़ा सा थकावट हो रहा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। गाइस अभी नींद आ रही है यार थोड़ी थोड़ी, अभी सातारा हाईवे पे लगने के बाद थोड़ा स्पीड मेंटेन हो जाएगा। जस्ट अब हम ही निकले ब्रेक लेके, और यार गड्ढे नहीं चाहिए, यार गड्ढे नहीं चाहिए मेरे को, एक तो लगी पड़ी है और ऊपर से गड्ढे आ रहे हैं। पहले तो पहली फुर्सत में इसका सीट चेंज कराना पड़ेगा या फिर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आज की राइड यार यादगार रहेगी क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पल हमने इस राइड के दौरान एक्सपीरियंस किए, जैसे कि सब लोग लड़के लोग चिल्ला रहे थे, चीयर अप कर रहे थे, अपने बाइक का लुक में जो दिखता उस पर उसको भी अप्रिशिएट कर रहे थे, और जैसे ऐसा लगा सेलिब्रिटी जैसा फील आ गया था कि सब लोग ऐसे हाथ दे रहे, मैं भी हाथ दे रहा हूँ, लोग छूना चाह रहे अपने को, तो एक सेलिब्रिटी जैसा फील आ गया था और काफ़ी मज़ा आया। फिर आगे भी कुछ लड़के मिले थे तो चिल्ला रहे थे और काफ़ी मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे, उनको भी मज़ा आता है कि ऐसी सुपर बाइक देख के अच्छा लगता है उनको भी, और किसी को अच्छा नहीं लगता यार, सबको अच्छा लगता है सुपर बाइक। और कंप्लीट अगर आप लुक देखोगे किसी भी राइडर का तो यार अच्छा ही दिखता है हर कोई, बट अपनी बाइक थोड़ी और खूबसूरत लगती है।
क्योंकि यार ये अपनी बाइक है। पुणे एग्जैक्टली 100 किलोमीटर्स दोस्तों, और 100 किलोमीटर्स करने के लिए दो घंटा 8 मिनट, और अंधेरे से पहले हम घर पहुंच जाएंगे सनसेट से पहले। आप लोगों को ये मेरा माइक का सेटअप, व्लॉगिंग का सेटअप कैसा लग रहा है, क्वालिटी कैसी लग रही है ज़रूर बताना, और सजेशंस भी देना और मैं क्या क्या बात कर सकता हूँ और आपको क्या जानना है व्लॉग के टाइम पे, मेरे राइड के टाइम पे। तो ये सारे अगर बातें आप शेयर करोगे तो मैं भी कवर कर सकता हूँ कुछ चीज़ें। गाइस राइट साइड में देखो, पूरे विंड मिल दिख रहे हैं, वो भी पहाड़ पे। और मेन क्वेश्चन ये है कि यार उन्होंने पहाड़ पे ये सब कैसे लेके गए। तो गाइस अभी GoPro की बैटरी डेड हो गई थी, जस्ट चेंज की अभी रास्ते में रुक के, तो कैथरस टनल में आ चुके हैं गाइस फाइनली। यहाँ पे काफी शोर होता, कुछ सुना नहीं देता। गाइस सामने की कार में यार दो बुजुर्ग लोगों को डिक्की में रखा है यार, ऐसे कैसे बैठ जाते हैं समझ नहीं आ रहा। ये भी रेस लगा रहा है यार, वह हम रेस नहीं लगा रहे, हमको घर जाना है जल्दी। दो बुढ़ा बुढ़ी को यार डिक्की में बिठा दिया है, अजीब लोग हैं। तो गाइस अभी पुणे आ चुके हैं हम, घर पहुंचने के लिए बस 25 मिनट बाकी है, 25 किलोमीटर बाकी है यार, 25 मिनट नहीं 48 मिनट, तो और एक घंटा बता रहा है साला। काफ़ी यार काफ़ी टाइम है, और प्लीज़ गॉड और ट्रैफिक नहीं चाहिए मेरे को। ए नीड बसा, पता नहीं कैसे स्पीड ब्रेकर बनाए हो, जैसे वो स्पीड ब्रेकर आते हो मैं उठ जाता हूँ, और मनोज बेचारा उसको सहरा पड़ता है वो। भाई जो ट्रैफिक लगी है यार पुणे में, और पीक आवर्स में हम एंटर किए पुणे में, काफ़ी यार काफ़ी दिक्कतों का सामना करके आए हैं अभी हम, पता नहीं और क्या भसड़ हो गई अभी इधर। अरे पता ना यार, इतने सारे ट्रक्स फेल, कार फेल, बसेस फेल, बहुत सारे मतलब गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी है रोड पे, और उनके वजह से जो ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है हमको, हम ही जानते हैं यार। जो राइडर लोग हैं ना वो अभी तक दिखे ही नहीं हमको, एक राइडर दिखा भाई, बट वो यार हम तो इतने ब्रेक ले लेके मतलब थक गए थे, तब जाके वो हमारे साथ आया है, मतलब हम इतने आगे पहुंच चुके थे। यार GoPro की बैटरी हैंग हो गई थी, अभी मैं घर के पास पहुंच चुका हूँ, अभी और एक टास्क है यार कि यूटर्न लेके जाना है घर। और मनोज को मैंने छोड़ दिया अभी बस स्टॉप पे, उसको अभी मिल जाएगी शिवनेरी बस, और अभी मुझे जाना है यूटर्न लेके वापस। अरे यार मनोज ने तो काफ़ी हल्की लग रही है गाड़ी यार, इधर काफ़ी ट्रैफिक जाम है यार, क्या करें समझ नहीं आ रहा यार, हर बार का यार ये हर बार का, घर के पास आके ही ट्रैफिक जाम लग जाता है यार। ए मनोज, ए मनोज, ए मनोज,
यार ये बहरा क्या कर क्या रहा है यार। ए मनोज अबे कितनी आवाज है अबे, ये तो थाम लो मैं क्या कर रहा। बस भेटली की नहीं चल मग भेटू आपण। थँक्यू फॉर द राईड। अरे भाई तू लेसन केलास, तू कधी राईड केलायस तर तुला त्रास झाला जास्त। मी 5 किलोमीटर फिरतो रोज, 5 किलोमीटर फिरणार, 1000 किलोमीटर फिरून आला। बापरे कॉल कर काय कळलं नाही तर। और हम फाइनली अपने घर के पास आ गए हैं और अपनी जो राइड है ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर की राइड जो है कंप्लीट हो गई है अपनी। तो घर जाके आराम से लेट जाना है भाई। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम हमारे घर और अभी बजे है शाम के 7:15। अभी 7 बजे पहुंच गया था। 15 मिनट में सामान सब अनलोड किया, घर पे लेके आया और अपनी ये राइड 1100 किलोमीटर की राइड अपनी ख़त्म होती है और गोवा में काफ़ी मज़ा आया। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सेफ राइड, स्टे हैप्पी, बाय।